वेलकम टू बैक माई चैनल। और आज हम भोपाल जाने वाले हैं और मार्केट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, न्यू मार्केट जाने वाले हैं। उसके साथ में हम बैरागढ़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे एक्चुअल में एक जैकेट चाहिए। सर्दियाँ तेज़ हो रही हैं तो जैकेट तो चाहिए ही चाहिए, तो वो लेना है मुझे। और उसके साथ में हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, पहुँच के करौत पहुँचेंगे पहले, फिर हम राहुल को बिठा लेंगे और फिर इसके बाद हम निकल चलेंगे बैरागढ़ की तरफ, फिर न्यू मार्केट की तरफ। ठीक है, तो फिर अभी हम निकलते हैं, रेडी हो चुके हैं और बैग मैंने रेडी कर ही लिया है। ये बैग मेरा रेडी हो चुका है, ठीक है। और दूसरा मोबाइल भी रख लिया जाए, मोबाइल भी रख लिया है। चलिए, ये गमछा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सिर्फ फेस कवर हो जाएगा। चश्मा उठा लिया, बस इतनी चीज़ें लेनी थी। जूते पहनता हूँ, जूते पहन के फिर निकलते हैं मार्केट की तरफ। ये रही अपनी गाड़ी, इसी से जाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अपनी गाड़ी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैंने अंदर रख दिया था, खड़ी कर दी थी, तो वो अंदर ही रखी है, ये यहाँ यही रखी है। फिर मैं यही वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अभी तो इसी वाली गाड़ी को लेके ज़्यादा, अभी तो इसी का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी निकलते हैं जूते पहन के। तो भाई गाड़ी बाहर निकाल ली है हमने, अब लॉक लगाना है और लॉक लगा के फिर निकलते हैं। मास्क भी पहन लिया है मैंने, चश्मा भी लगा लिया और बस अब निकल रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भोपाल, ठीक है। और अब हम राहुल को बुला लेंगे, राहुल को बुला लेते हैं, सामने ही उसका घर है, उसको फ़ोन लगाता हूं और उसको फ़ोन लगाने के बाद वो आ जाएगा, तो फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं राहुल के घर और राहुल आ रहा है, लॉक लगा हुआ है, अंदर से लॉक लगा हुआ है, तो उसको फ़ोन लगाया था अभी मैंने, तो आ रहा है नीचे, फिर इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। अभी तो बैरागढ़ निकल रहे हैं फिर, और हमें बैरागढ़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ पता है कि वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ना आउटफिट की, और तो जैकेट लेनी है तो वहाँ अच्छी मिल जाएगी, तो इसलिए। और वहाँ एक्सप्लोर भी करना है क्योंकि उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है अभी ज़्यादा, तो वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि कैसे क्या है, कहाँ से लेना है, कितने की क्या पड़ेगी, तो वहीं जाके अंदाज़ा लगेगा जो भी है, क्योंकि उसके बारे में अभी मार्केट के बारे में कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, तो वहाँ जाके हम दोनों ढूंढेंगे और लेंगे और निकलेंगे। तो अभी आ रहा है, इसको टाइम लगेगा शायद या ना भी लगे। थार ये तो दीवाने हैं अपन, अपन को बैरागढ़ का मेन मार्केट चल रहा है। हाँ, यहाँ से नहीं है अपने लिए डायरेक्ट वाला रास्ता, नहीं सीधा अपन को तो मार्केट चल रहा है। हाँ,
अभी हम पहुंच चुके हैं गुड़िया गारमेंट्स पे, ठीक है। तो अब यहाँ चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है, जो भी थी मिलेगी अच्छी लगेगी वो चीज़ हम ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं। भैया से हमने पूछ लिया, परमिशन ले लिए कि हम यहाँ शूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप शूट कर सकते हैं। जैकेट दिखा दो भाई, आइए अंदर। इसके अलावा दिखा दो आप। मेरा एक्सेल आता है मुझे, मिल जाएगा ले राहुल। टेप निकल भी जाएगी, इसके ओपन हो जाएगी। अच्छा ये ओपन हो जाएगा ना, फिर भी कुछ शानदार है, कुछ ट्राई करके देखें। ले पकड़ गाइज। जैकेट हो चुकी है फाइनल और हमने पेमेंट भी कर दिया है। पेमेंट करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये गुड़िया गारमेंट्स करके है जो बैरागढ़ में एक बहुत अच्छी शॉप है, एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड की थी तो मैं वहाँ से आया था। रेट फिक्स है यहाँ पे और 50% डिस्काउंट देते हैं, और उसके बाद आप यदि आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल आइए यहाँ शॉप पे। और बहुत अच्छे सभी लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया और सब कुछ अच्छे से दिखाया, बड़े मस्त लगा, तो मज़ा ही आ गया हमें। तो हम जा रहे हैं नीचे, बैग लेके आना है, बैग में भूल गया ऊपर ही रखा है और मैं निकल आया, तो अपना बैग ले लेते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। बैग लेने गया था मैं तो, लैपटॉप रखा है एक तो बैग में। तो चलो चलते हैं, राहुल लगा रहा है गाड़ी में चाबी, जाने की तैयारी और जाने की तैयारी है बड़ी। और ले लिया मैंने, ये है अपना, ये गुड़िया शायद आप लोगों को ब्लर दिखेगा, बैरागढ़ में कभी भी आ सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भैया से आप बोलेंगे तो अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, 50% डिस्काउंट रहता है यहाँ हमेशा, चलता है ये, कभी भी लो कोई भी चीज़ ले लो बढ़िया चलता है। तो बस अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस राहुल को मैं ड्रॉप कर चुका हूँ और मैं उसको घर छोड़ के और डायरेक्ट घर के लिए निकल चुका हूँ, और घर लगभग मैं वहाँ से भोपाल से 10 किलोमीटर आगे निकल आया हूँ घर के लिए। तो इसके बाद फिर मैंने कहा एक बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं वहाँ से निकला जैसे ही, तो फिर हम वहाँ घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद फिर मैंने, हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया, नाश्ता करने के बाद और फिर मैं निकल आया। तो मैंने वहाँ शूट वगैरह किया नहीं क्योंकि एक्चुअली वहाँ भीड़ भी ज़्यादा थी और थोड़ा सा हेजिटेशन होता है मुझे ब्लॉग करने में, लोग बहुत तेज़ देखते हैं ना सब लोग, सब मतलब सभी की ना निगाहें बस मैं शूट कर रहा होता हूँ तो मेरी तरफ होती हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील हुआ, तो इसलिए फिर मैंने कहा शूट नहीं करता हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ से निकल के और आ गया और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ये ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे,
यहाँ बोनी हो चुकी है लगभग ऑलमोस्ट, जो सूखी ज़मीनें होती हैं वहाँ बोनी हो चुकी है, और जो जहाँ पे पानी वगैरह की होती है तो वहाँ बोनी हुई नहीं, क्योंकि अभी हमारी भी नहीं हुई है। तो अभी दो चार दिन में हम लोग भी बोनी करने स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी ये देख यहाँ का ऐसा कुछ सीन है, तो आप देख लीजिए, तो वह सीन दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए फिर चलते हैं घर, और घर जाके ये जैकेट मैंने डाल ली थी क्योंकि ठंड लग रही थी, सर्दी जैसी ये हवा चल रही है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, तो क्योंकि गांव वाला इलाका ना, यहाँ पानी वगैरह चलता रहता है खेतों में, तो खेत वाली जगहों पे क्या होता है ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए फिर मैंने कहा ये डाल ही लो, इसको अलग से रखना पड़ेगा। फिर ऊपर से मैंने बैग भी, बैग में लैपटॉप रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, इसलिए फिर मैंने उसमें ना डाल के फिर मैंने कहा अपन खुद ही डाल लो इसको, और डालिए फिर मैं चलता हूँ अभी, फिर चलते हैं अपन घर चलता हूँ। और पापा और मम्मी भी आने वाले हैं घर पे, आज कोई नहीं है, ताला लगा के लॉक लगा के आया था मैं, तो चलते हैं जल्दी से, वो भी आ जाएंगे नहीं तो इंतज़ार करेंगे फिर मेरा। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, निकलते हैं। यहाँ मुझे वीडियो को एंड करना है, इस घर में आ चुका हूँ, और इसके बाद अब मैं एडिटिंग करूँगा और अपलोडिंग भी लगाऊंगा, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, प्लीज़।